देहरादून के सीएम दरबार में शिक्षिका उत्तरा पंत बहुगुणा के साथ किए गए व्यवहार पर अब प्रदेश के मुखिया घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसका असर अब बागेश्वर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका और अपना आक्रोश जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षिका के निलंबन के आदेश को सीएम को वापस लेना चाहिए। साथ ही ऐसा न करने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 28 मई को देहरादून में सीएम आवास में शिक्षिका उत्तरा पंत बहुगुणा के साथ जो भी व्यवहार हुआ सीएम के द्वारा वो किया गया और वो अमानवीय व्यवहार था। शिक्षिका को जेल में बंद करके उसे निलंबन करने पर कांग्रेस ने घोर निंदा की है। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ सीएम के जनता दरबार में दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक महिला से जनता दरबार में अभद्र तरह का व्यवहार किया, क्योंकि लगातार 24 सालों से दुर्गम क्षेत्र में वो महिला काम कर रही थी और जनता दरबार लगातार उसमें वो मुख्यमंत्री से यह निवेदन लेकर गई थी कि मुझे मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं एक विधवा महिला हूँ, मुझे सुगम में कुछ समय नौकरी करने के लिए दिया जाए। लेकिन उसे न्याय देने की बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अभद्रता का व्यवहार किया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज जो सरकार दोहरा चरित्र लेकर सत्ता में काबिज है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान चला है सरकार, वो बिल्कुल ही खाली एक ढोंग है, क्योंकि बेटियों के संग ऐसे अन्याय हो रहा है, ऐसा अभद्रता का व्यवहार हो रहा है। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।